हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कंसिडरेशन। हिंदी में अगर बात करें तो प्रतिफल। देखो, सीधा सा रूल है, एक जनरल रूल ये कहते हैं, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, प्रतिफल नहीं अनुबंध नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कंसिडरेशन को ठीक से पढ़ें। तो कंसिडरेशन का मीनिंग क्या है? एक लेटिन वर्ड है। लेटिन वर्ड क्या है? क्यूड प्रो क्यू, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। अगर बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बात करें, देन कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। क्या मतलब हुआ इसका? क्यूड प्रो क्यू का मतलब दैट इज समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। कि पार्टी को बदले में जो कुछ भी मिलता है ना, वो उसके लिए क्या है? कंसिडरेशन है। अब जो कुछ भी मिलने का मतलब क्या है? जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो या तो किसी कमोडिटी के लिए करेंगे या किसी सर्विसेज के लिए करेंगे, और सामने वाली पार्टी क्या करेगी? पे करेगी। तो नॉर्मल सी बात अगर देखें कि एग्जांपल ले कि ए ने बी को एक एग्रीमेंट बनाया कि वो 10,000 रुपये में अपना स्कूटर बी को बेचेगा। बी ने कहा ठीक है, तो ए के लिए 10,000 रुपये कंसिडरेशन हो गए और बी के लिए स्कूटर क्या हो गया? कंसिडरेशन हो गया। इट मींस जो बदले में मिलता है पार्टीज को वो क्या होगा? कंसिडरेशन होगा। बुक में अगर इसकी लैंग्वेज की बात करें तो बुक की लैंग्वेज कहती है कि अगर आपने प्रोमिसर की डिजायर पे अगर किसी ने कोई काम किया है या करने का प्रोमिस किया है, या कोई काम नहीं किया है या किसी काम को नहीं करने का प्रोमिस किया है, तो उसके इस प्रोमिस को क्या कहा जाएगा? कंसिडरेशन कहा जाएगा, प्रतिफल कहा जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन होगी, ध्यान रखना, एक पार्टी को होने वाला प्रॉफिट गेन एंड राइट्स और दूसरी पार्टी को होने वाला लॉस लाइबिलिटी या सफर कंसिडरेशन है। ध्यान रखना, बहुत सही डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये क्या कहती है? एक पार्टी को होने वाला प्रॉफिट गेन और राइट्स और दूसरी पार्टी को होने वाला लॉस नुकसान लाइबिलिटी या सफर क्या होता है? कंसिडरेशन होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन के। कुछ चीजें जो कंसिडरेशन से रिलेटेड है, कुछ पॉइंट्स जो कंसिडरेशन से रिलेटेड होंगे वो कौन से होंगे? सबसे पहला जो रूल होगा कंसिडरेशन से रिलेटेड वो होगा कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, के प्रतिफल वचन ग्रहिता की इच्छा पर होना चाहिए। यह पॉइंट क्या कहता है कि आपने जो कोई भी काम किया है वो किसकी डिजायर पे होना चाहिए? प्रोमिसर की डिजायर पे, सामने वाले बंदे के कहने पे, उसकी इच्छा से अगर आपने कोई काम किया है तो आप कंसिडरेशन रिसीव करने का राइट रखते हो, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल, नदी में एक बच्चा डूब रहा था, आप वहीं पे थे और आपने देखा कि वो बच्चा डूब रहा है और उसका पिता चिल्ला रहा था मेरे बेटे को बचा लो। आप गए, नदी में कूद गए और उस बेटे को बचा के ले आए। जैसे ही आपने देखा कि वो आदमी कौन है, जिसका वो बेटा था वो आदमी कौन है, वो अंबानी निकला। अब आपको लगा कि इससे हम बहुत सारा पैसा ले सकते हैं, आपने कहा भाई 5 करोड़ रुपए दो मेरे को। अंबानी ने कहा भाई मैं तो 5 करोड़ रुपए नहीं दूंगा। आपने कहा भाई आपके बेटे की कीमत 5 करोड़ नहीं है क्या? उसने कहा है, लेकिन मैं नहीं दूंगा। आप चले गए कोर्ट में कि भाई मैंने इसके बेटे को बचाया, मेरे को 5 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। लेकिन अब ध्यान दीजिए, क्या आपने प्रोमिसर की डिजायर पे वर्क किया था क्या? क्या उसने आपको कहा था कि बचा लो मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा? ध्यान देना बात पे, अगर वो आपको कहता कि बचा लो मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा, तब तो आप कंसिडरेशन का राइट रखते थे, अदरवाइज नहीं। इट मींस अगर आपने प्रोमिसर के डिजायर पे कोई वर्क किया, उसके कहने पे कोई काम किया है, तो उस केस में ही आप कंसिडरेशन रिसीव करने का राइट रखते हो, अदरवाइज आपको कंसिडरेशन नहीं मिलेगा। मतलब आप सामने वाले बंदे के कहने पे काम करोगे तो ही आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं। दूसरे अगर मैं इसके पॉइंट की बात करूं तो वो आएगा कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट क्या है? कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, के प्रतिफल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित हो सकता है।
क्या मतलब हुआ? इस पॉइंट का सीधा सा मतलब है, जरूरी नहीं है कि कंसीडरेशन का पेमेंट वो ही करे जिसके लिए आप काम कर रहे हो। अगर जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसके बिहाफ पे कोई और भी पे कर दे तो भी वो वैलिड होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कंसीडरेशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप जिसके लिए काम कर रहे हो, जिसके लिए वर्क कर रहे हो वो ही पेमेंट करे। उसके बिहाफ पे अगर और कोई भी पेमेंट कर रहा है तो कंसीडरेशन वैलिड होगा। इसके ऊपर एक केस लो हुआ था, चिनैया वर्सेस रमैया। कौन सा केस लो हुआ? चिनैया वर्सेस रमैया। इस केस लो में क्या हुआ, एक ओल्ड लेडी ने अपनी सारी की सारी असेट अपनी नेफ्यू अपनी भतीजी के नाम कर दी, एक डीड बनाई गिफ्ट डीड के थ्रू उसके नाम कर दी, लेकिन उसमें कंडीशन डाली कि वो लड़की हर महीने अपने अंकल को कुछ मनी देगी, लाइक 1,000 रुपए, 2,000 रुपए या 10,000 रुपए। ये विल बनाई और वो बूढ़ी दादी तो मर गई। उसके मरने के बाद उस लड़की ने सोचा कि भाई जिससे अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, दादी से अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो तो मर चुकी, तो क्यों ना मैं पैसा ना दूं। तो उसने अंकल को पैसा देने से मना कर दिया, अंकल ने केस फाइल किया। उसका सीधा सा कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई आपसे मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं तो पैसा नहीं दूंगी। जैसे अंकल कोर्ट में गए तो कोर्ट का डिसीजन क्या आया कि ये कंसीडरेशन वैलिड है, भले ही उस अंकल ने कोई कंसीडरेशन नहीं दिया था, लेकिन उस अंकल के लिए किसने कंसीडरेशन का पेमेंट किया था? उस बूढ़ी औरत ने। तो इट मीन्स डिसीजन क्या दिया गया कि कंसीडरेशन मे मूव फ्रॉम 1% टू अनदर पर्सन, के कंसीडरेशन का पेमेंट अगर कोई दूसरा करता है आपके भी आप पे तो भी वो कंसीडरेशन कैसा होगा, वैलिड होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है कंसीडरेशन मे बी एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, कंसीडरेशन मे बी एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, निष्पादित या निष्पादनीय है। ये हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था। एग्जीक्यूटेड का मतलब जहां बोथ पार्टी, जहां दोनों पक्षकार अपने अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर दे। ए को बी को स्कूटर सप्लाई करना था, इसे 10,000 रुपए देने थे, इसने स्कूटर दिया, इसने 10,000 रुपए दिए, ये कौन सा कंसीडरेशन है? एग्जीक्यूटेड, निष्पादित। एग्जीक्यूटरी जहां दोनों पार्टीज ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं किया हो वो कौन सा होगा? एग्जीक्यूटरी। ए ने न तो अभी तक स्कूटर दिया है और बी ने न अभी तक 10,000 रुपए दिए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन में भी एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आएगा कंसीडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, कंसीडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, के कंसीडरेशन पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, मैंने स्कूटर दिया, आपने 10,000 रुपए दिए, कौन सा कंसीडरेशन हो गया? प्रेजेंट कंसीडरेशन। आप स्कूटर दोगे 10 दिन बाद और मैं पैसा दूंगा 10 दिन बाद, कौन सा हो गया? फ्यूचर कंसीडरेशन। लेकिन पास्ट कंसीडरेशन थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना। पास्ट कंसीडरेशन ये केस में आपने सर्विस, आपने किसी को कोई सर्विस दी थी, मैं थी वर्ड यूज कर रहा हूं, आपने कोई सर्विसेज दी थी और सर्विसेज दी गई थी वॉलेंट्री, स्वेच्छा से, और उसके बाद आपको प्रॉमिस किया गया हो कि आपको पेमेंट किया जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? पास्ट कंसीडरेशन। फॉर एग्जांपल, मेरा वॉलेट, मेरा पर्स कहीं खो गया, एक बंदे को मेरा पर्स मिल गया, उस बंदे ने आके मेरे को मेरा पर्स लौटा दिया, मेरे हाथ में दे दिया, क्या मुझे उसे कुछ भी पैसा देने की रिक्वायरमेंट है? मुझे उसे कोई भी पैसा देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, काम कंप्लीट हो चुका है, उसने अपनी सर्विसेज दे दी हैं, वो भी कैसे? वॉलेंट्री, खुद की इच्छा से। अब मैंने उसे कहा कि भाई मैं तेरे को खुश होके 1,000 रुपए दूंगा, क्या अब मेरे को पैसा देना पड़ेगा? अब मेरे को पैसा देना पड़ेगा। तो ये था पास्ट कंसीडरेशन, मींस जहां आपने सर्विसेज वॉलेंट्री दी हो स्वेच्छा से, वो भी कब? पास्ट में, और वो सर्विसेज देने के बाद आपको कोई प्रॉमिस किया जाए कि आपको कंपनसेट किया जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? पास्ट कंसीडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन इसके पॉइंट की बात करें तो वो आएगा कंसीडरेशन मे नॉट बी, या कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट बट शुड बी रियल। कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट बट शुड बी रियल, कि प्रतिफल का, कंसीडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, पर्याप्त होना जरूरी नहीं है, लेकिन कैसा होना चाहिए? रियल, वास्तविक होना चाहिए। जैसे मेरे पास 1,00,000 रुपए की गाड़ी है और मैं किसी को 100 रुपए में बेचना चाहता हूं, क्या ये वैलिड कंसीडरेशन होगा?
भाई एडिक्वेट तो नहीं है, पर्याप्त तो नहीं है, क्योंकि लाख रुपए की गाड़ी अगर मैं 100 रुपए में या 1000 रुपए में बेच रहा हूं तो कंसीडरेशन एडिक्वेट तो नहीं है, लेकिन चलेगा, वो वैलिड है। कंसीडरेशन एडिक्वेट ना हो तो भी वो क्या होगा, वैलिड होगा, बट शुड बी रियल। लेकिन कैसा होना चाहिए, वास्तविक, इन द आईज ऑफ लो। लेकिन एक ध्यान रखना, अगर कंसीडरेशन एडिक्वेट नहीं है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, सामने वाला अगर बाय द व्हीकल को ये कह दे कि उसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, उसके पर फोर्सफुली उससे कंसेंट ली गई थी, तो कोर्ट बहुत जल्दी विश्वास कर लेगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि वो कहेगा भाई लाख रुपए की चीज आपको 1000 रुपए या 100 रुपए में कैसे मिली। तो कंसीडरेशन एडिक्वेट नहीं है, चलेगा, वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है बाद में जाके। तो आपसे पूछा जाए कि कंसीडरेशन एडिक्वेट होना चाहिए या नहीं, आप बोलोगे एडिक्वेट नहीं है तो भी चलेगा, बट शुड बी रियल, कैसा होना चाहिए, वास्तविक, इन द आईज ऑफ लॉ, आपकी आईज में नहीं, आपके हिसाब से नहीं, लॉ की आईज में वो कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए, वास्तविक। अब इसके ऊपर जैसे एक एग्जाम्पल करते हैं, अगर मैं किसी स्टेशन पर उतरता हूं और कुली मेरा सामान उठाता है और मैं उसे 20 रुपए दे देता हूं, अब बात करते हैं क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में, क्या इस एग्रीमेंट में कंसीडरेशन है। भाई कुली के लिए मैंने 20 रुपए पे की, कुली के लिए 20 रुपया क्या हो गया, कंसीडरेशन हो गया। मेरे लिए कंसीडरेशन क्या है, मेरे को वो उठाना नहीं पड़ा, मेरे को ये फायदा हो गया, मेरे को सफर नहीं हुआ, ये मेरे लिए क्या है, कंसीडरेशन है। अब मैं बात करता हूं इसी एग्जाम्पल को हटा के कि कुली ने मेरा सामान फ्री ऑफ कॉस्ट उठाया, क्या यहां कंसीडरेशन है। देखो बात करते हैं, मेरे लिए तो वही, मेरे को उठाना नहीं पड़ा, मेरे को फायदा हुआ, मेरे लिए वो कंसीडरेशन है। बात करते हैं कुली के लिए, क्या कुली के लिए कोई कंसीडरेशन है। तो हम बात करते हैं, उसे पैसा तो नहीं मिला, लेकिन उस सामान को उठाने से उसे सफर, उसे कष्ट या पीड़ा तो हुई है, तो उस कष्ट या पीड़ा या सफर को ही क्या कहा जाएगा, कंसीडरेशन कहा जाएगा। अब आप ये सोचोगे कि भाई सफर का, पीड़ा का मेजरमेंट कैसे हो, कैसा पॉसिबल है कि हम सफर को या कष्ट को मेजर कर सकते हैं, अगर नॉर्मली से तो नहीं हो सकता, तो सर ये रियल कैसे हुआ। लेकिन अब आप देखोगे कि ये रियल है कैसे, अगर कुली आपका एक सामान उठाए तो 10 रुपए लेगा, अगर वो दूसरा बैग उठाए तो आपसे 20 रुपए मांगेगा, और अगर वो तीसरा बैग भी उठाए तो आपसे कितने रुपए क्लेम करेगा, 30 रुपए। इट मीन्स उसने अपने सफर को खुद मेजर कर रखा है कि मैं अपना सफर 10 रुपए में बेच रहा हूं, एक सफर 10 में, दूसरा 20 में और तीसरा 30 में। इट मीन्स सफर का मेजरमेंट पॉसिबल है, और हर एक बंदा अपने सफर का मेजरमेंट इजीली कर देता है। अगर मैं किसी को पढ़ाऊंगा तो मैं उससे कितना पैसा लूंगा ये मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को कितने रुपए मिल सकते हैं, मेरे को कितने रुपए का सफर हो रहा है। तो हर एक बंदा अपने सफर को मेजरमेंट कर सकता है, इट मीन्स वो कैसा है, रियल है, इन द आईज ऑफ लॉ, इसलिए वो कंसीडरेशन कैसा होगा, वैलिड होगा। एक और एग्जाम्पल की अगर बात करें कि मैं किसी जगह पर बैठा था और वहां पर एक साधु बाबा आ गए, मैंने उनसे कहा कि सर साधु बाबा जी मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि मैं यूपीएससी एग्जाम में टॉप कर जाऊं, आईएएस के एग्जाम में टॉप कर जाऊं। उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दे दिया और मैंने उनको 500 रुपए का नोट दे दिया। उस बाबा के जाने के बाद मेरे को लगा कि यार 100 रुपए देते ना तो भी काम तो चल सकता था अपना, 100 रुपए में भी तो आशीर्वाद दे देता अपन को। तो मैं गया भाग के उस बाबा जी के पास कि बाबा जी मेरे को मेरे रुपए रिटर्न दो। क्यों दो, नो कंसीडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, भाई कोई कंसीडरेशन नहीं हुआ है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, तो आप मेरे को पैसा रिटर्न करो, क्या उसे पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। अब आपके हिसाब से देखें कि कंसीडरेशन क्या है, बाबा के लिए तो सीधी सी बात है 500 रुपए कंसीडरेशन हो गया, मेरे लिए कंसीडरेशन क्या है। अब आप बोलोगे सर आपके लिए तो कंसीडरेशन क्या है, ब्लेसिंग्स। तो क्या ब्लेसिंग्स रियल है, क्या ब्लेसिंग्स का मेजरमेंट हो सकता है। भाई आप बोलोगे लास्ट एग्जाम्पल में तो कष्ट सफर जो हो रहा था कुली को उसका मेजरमेंट पॉसिबल था, तो सर यहां भी ब्लेसिंग्स का मेजरमेंट हो सकता है हमारी आईज में, तो हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला है। लेकिन आप सोचो कि क्या ब्लेसिंग्स का कोई मेजरमेंट है कि भाई धीरे से बोले तो 100 रुपए और जोर से बोले तो 500 रुपए, लाउड स्पीकर में बोले तो 1000 रुपए, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट मींस ब्लेसिंग रियल नहीं है इन द आईज ऑफ लॉ, तो उस केस में वो कंसीडरेशन वैलिड नहीं होगा। तो ये पॉइंट क्या था, कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, पर्याप्त ना हो तो भी चलेगा, बट शुड बी रियल, लेकिन कैसा होना चाहिए, वास्तविक, इन द आईज ऑफ लॉ। नेक्स्ट अगर अपन पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा कंसीडरेशन नॉट बी अनलॉफुल, कंसीडरेशन नॉट बी अनलॉफुल और इमोरल।
कि कंसीडरेशन कैसा नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल, अवैधानिक नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। कि मैंने किसी को कहा कि भाई मैं तेरे को 1000 रुपए दूंगा, तू उस बंदे की पिटाई कर दे, तो ये एग्रीमेंट कैसा हुआ? अनलॉफुल। तो इसमें कंसीडरेशन भी कैसा हो गया? अनलॉफुल हो गया। तो कंसीडरेशन कभी भी अनलॉफुल नहीं होगा, नहीं इमोरल, एनैतिक, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, कंसीडरेशन उसमें से भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, किसी प्रोस्टिट्यूशन करने वाली लेडीज को अपना घर किराए पे देना किसमें आ जाएगा? इमोरल में आ जाएगा। तो कंसीडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं, नेक्स्ट अगर इसके पॉइंट की बात करें, तो परफॉर्मेंस ऑफ वॉट इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, ध्यान रखना, कंसीडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको करने के लिए आप पहले से बाउंड थे। अगर आप पहले से करने के लिए बाउंड थे तो आप एक्स्ट्रा रेमुनरेशन क्लेम नहीं कर सकते। दोबारा ध्यान दीजिएगा, अगर किसी काम को करने के लिए आप पहले से बाउंड थे तो आप एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दो बंदे हैं, बी ने कोर्ट में केस फाइल कर रखा है और अपना एडवोकेट डिक्लेयर कर रखा है ए को, इट मींस ए एडवोकेट है और बी उसका क्लाइंट है। बी ने ए को कहा कि सर मेरे को केस जितवा दीजिए, मेरे को जो कंपनसेशन मिलेगा उसमें से 10% और दे दूंगा मैं आपको, और दे दूंगा मींस उसने पहले से जो फिक्स कर रखा है वो तो है ही, कि आप अगर मेरे को केस जितवा दोगे तो मैं आपको 10% और दे दूंगा जो मेरे को कंपनसेशन मिलेगा। इन्हें बोला ठीक है और केस जितवा दिया। सपोज पहले से फिक्स फीस जो थी वो थी 5000 फिक्स, प्लस कंपनसेशन मिला बी को 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 का 10% कितना बना? 1,00,000 का 10% बना 10,000 रुपए। तो एडवोकेट ने क्लेम किए 15,000 रुपए, बोले भी 15,000 रुपए दे, 5,000 तो जो मेरी फीस फिक्स हुई थी वो, और तूने कहा था कि 10% और दूंगा, 1,00,000 10,000 रुपए ये बने, तो 15,000 रुपए दे। तो ए कह रहा है, बी कह रहा है कि मैं दूंगा सिर्फ कितने 5,000 रुपए, और ये कह रहा है भीतर को कितने देने पड़ेंगे 15,000 रुपए, तो आपके हिसाब से कितने मिलनी चाहिए, 5,000 या 15,000? अब सीधी सी बात ये देखो कि अगर क्या वो भी एक्स्ट्रा ये पैसे नहीं देता तो क्या ए उसको केस हरवा देता? एक ही क्या एक किस चीज के लिए बाउंड था? उसको केस जितवाने के लिए, भले ही वो ना जितवा पाए लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी क्या थी कि उसको केस जितवाए। तो इट मींस अगर आप किसी काम को करने के लिए पहले से बाउंड हो, ए पहले से बाउंड था इसको केस जितवाने के लिए, इट मींस वो एक्स्ट्रा रेमुनरेशन क्लेम नहीं कर सकता, तो बी को सिर्फ कितने रुपए देने पड़ेंगे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो अगर किसी काम को करने के लिए आप पहले से बाउंड हो तो उस केस में आप एक्स्ट्रा रेमुनरेशन क्लेम नहीं कर सकते। एक और कोई एग्जांपल लेते हैं, एक घर में आग लग गई, वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई आग बुझाने के लिए और वो आग बुझा रही थी, वहां पास में एक औरत चिल्ला रही थी मेरे बेटे को बचा लो मैं 10,000 रुपए दूंगी, मेरे बेटे को बचा लो मैं 10,000 रुपए दूंगी। फायर ब्रिगेड का एक बंदा गया आग में कूदा और उसके बच्चे को बचा लाया और लाके बोला भाई 10,000 रुपए दे। उस बूढ़ी औरत ने कहा भी मैं तो 10,000 रुपए नहीं दूंगी। क्या उसे 10,000 रुपए देने होंगे या नहीं? आप सोचो कि क्या उस काम को करने के लिए वो बंदा पहले से बाउंड था या नहीं। अगर बाउंड था तो वो पैसा क्लेम नहीं कर सकता, और अगर बाउंड नहीं था देन पैसा क्लेम हो सकता है। तो आपके दिमाग में आएगा हाँ भाई बचाना तो उसकी लाइबिलिटी था। तो एक बात सोचिए, फायर ब्रिगेड का काम आग बुझाना होता है या आग में कूदना होता है? सिंपल सी बात, आप बोलोगे सर आग बुझाना होता है, तो आग में कूद के क्यों गया? क्योंकि उसे एक्स्ट्रा रेमुनरेशन की चाह थी कि उसे क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो वहां पे वो आग में कूदने के लिए बाउंड नहीं था, वो सिर्फ किसके लिए बाउंड था? आग बुझाने के लिए। इट मींस उसने अपनी लाइबिलिटी से कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया है, तो क्या उसे वो पैसा मिलेगा? उसे वो पैसा मिलेगा। तो जब वो बंदा गया कोर्ट में तो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई ये आग बुझाने के लिए बाउंड था न कि आग में कूदने के लिए, तो उसे वो पैसा दिया जाएगा। तो ये थे कंसीडरेशन से रिलेटेड रूल्स। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।